आज मैं आपको इस रेसिपी में ब्रेड से कलाकंद बनाना सिखाऊंगी। ब्रेड से कलाकंद बनाना बहुत ही आसान होता है। वैसे तो ये रेसिपी 10 मिनट में तैयार हो जाती है। इसको बनाना भी बहुत आसान होता है और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। किस तरह से ये बनाई जाती है आज मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। लेकिन आपको इसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे कि थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और रबड़ी। अगर रबड़ी नहीं है तो यहाँ पर हम आपको रबड़ी बनाना भी सिखा देंगे। तो सबसे पहले हमने लिया है दूध, एक कटोरी चीनी और थोड़े से ड्राई फ्रूट जो भी आपके पास है, और केसर चाहिए। तो केसर नहीं है तो आप इलायची का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम दूध की रबड़ी बनाएंगे। रबड़ी बनाने के लिए हमें एक कटोरी चीनी चाहिए और एक किलो दूध चाहिए और एक बड़ा बर्तन, कोई भी जो आप ले सकते हैं, जो आपके घर में सबसे बड़ा बर्तन हो वो आप ले सकते हैं। क्योंकि अगर हम रबड़ी अभी बनाएंगे तो आधा घंटा लगेगा, लेकिन अगर आपके पास रबड़ी पहले से तैयार है तो ये मिठाई 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। तो रबड़ी बनाने के लिए हमने लिया है एक किलो दूध। एक किलो दूध में से हम आधा लीटर दूध यूज़ करेंगे रबड़ी बनाने के लिए और आधा लीटर दूध यूज़ करेंगे हम दूसरे काम के लिए, जो कि मैं आपको बाद में बताऊँगी। आधा दूध हम इसमें से अभी बीच में निकाल लेंगे जब वो बॉयल हो जाएगा। आप देखते जाइए, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा दिखाने वाली हूँ कि इसको कैसे बनाना है। तो पूरा एक किलो दूध को पहले हम बॉयल करेंगे। ये दूध जो है वो हमने फुल क्रीम मिल्क लिया है और ये आपको टोन मिल्क का यूज़ नहीं करना है, इसमें फुल क्रीम मिल्क का ही यूज़ करना है। तो एक किलो दूध को पहले हमें उबालना है अच्छे से। आप देख सकते हैं कि दूध अब उबल चुका है। हमने पहले भी कहा था कि जब दूध उबल जाएगा उसमें से हमें आधा दूध अलग करना है और आधे दूध की हम रबड़ी बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं दूध उबल चुका है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें से आधा दूध अलग करने से पहले हम इसमें डालेंगे आधी चीनी। मैं आपको बताना भूल गई थी कि इस पूरे प्रोसेस में एक कटोरी चीनी लगेगी, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको रबड़ी बनाना भी सिखा रही हूँ। इसलिए एक कटोरी चीनी में से हमने सिर्फ अभी आधी कटोरी चीनी डाली है और आधी कटोरी चीनी हम बाद में यूज़ करेंगे। आधी कटोरी चीनी डालने के बाद इसको अच्छे से मिला लेना है। मिलाने के बाद इसमें से हम आधा दूध अलग कर लेंगे। आधा दूध या थोड़ा सा कम, थोड़ा सा दूध गाढ़ा हो चुका है तो हम इसमें से थोड़ा सा दूध अलग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मैं कितना दूध अलग कर रही हूँ, उतना दूध आप अलग कर लीजिए, क्योंकि जो भी हम मिठाई बनाने जा रहे हैं उसमें इतना दूध लगेगा, इसलिए हमने इस दूध को अलग किया है। इस दूध में हम डालेंगे थोड़े से केसर के धागे, 6 से 7 केसर के धागे हम इसमें यूज़ करेंगे। अभी हम इस दूध में केसर के धागे डाल रहे हैं क्योंकि इस दूध का कलर हम चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि जो भी हम मिठाई बनाने वाले हैं उसमें अच्छा कलर आए, अच्छा टेस्ट आए, इसलिए हम केसर डालेंगे। अब हमें तेज गैस पर थोड़ी देर के लिए दूध को चलाते हुए पकाना है और आप देखेंगे कि थोड़ी ही देर में 10 से 15 मिनट लगेंगे और रबड़ी हमारी तैयार हो जाएगी। उतनी देर में हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स कट कर लेते हैं। उसके लिए हमने लिया है थोड़े से काजू, बादाम, पिस्ते और अखरोट। ये 4 तरह के ड्राई फ्रूट्स हमने लिए हैं और उसको थोड़ा सा इस तरह से दरदरा कट कर लिया है। और आप चाहे तो मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन पाउडर फॉर्म में नहीं करना है। इसको इस तरह से चाकू से कट कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम लेते हैं एक ब्रेड का पैकेट। ब्रेड आपको स्वीट ब्रेड लेनी है, मैदे वाली ब्रेड लेनी है, आपको होल व्हीट ब्रेड या फिर जो मिलेट वाली ब्रेड आती है वो नहीं लेनी है, कोई भी फाइबर की ब्रेड नहीं लेनी है। इस तरह से आपको ब्रेड लेनी है। हम यहाँ पर स्वीट ब्रेड ले रहे हैं, तो आपको 4 से 5 स्लाइसेस ब्रेड की ले लेनी है। और अब हम करेंगे इसके जो कॉर्नर्स है उसको अलग, जो कॉर्नर्स को हटा देना है, उसकी वजह से मिठाई सेम नहीं लगेगी। जिस तरह से कलाकंद होता है अगर आप वैसा टेस्ट चाहते हैं तो इसके कॉर्नर्स को हटा देना है, जो साइड में एजेस होती हैं उनको हटा देना है। इधर आप देख सकते हैं कि रबड़ी भी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ केसर के धागे, 6 से 7 केसर के धागे हम डाल रहे हैं, इतना काफ़ी होता है इतने दूध में केसर के धागे डालना। तो अब हम डालेंगे इसमें जो बची हुई चीनी थी वो हम डाल देंगे और अच्छे से
इसको मिला देंगे, जिससे कि इसका कलर भी अच्छा हो जाएगा, टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा, केसरी टेस्ट आएगा, जो कि जब भी आप कलाकंद बनाएंगे ब्रेड का, वो बहुत अच्छा टेस्ट देने वाला है। इसमें बिल्कुल भी दूध की स्मेल नहीं आएगी। तो इस तरह से आप बनाएंगे घर में कलाकंद तो बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। तो सबसे पहले हमने लिया है कांच का इस तरह से बर्तन, जिसमें हम सेट करने वाले हैं अपनी मिठाई को, असेंबल करने वाले हैं। तो उसके लिए हमने लिया है ब्रेड, और जो हमने दूध निकाल के रखा था वो हम ले लेंगे। ब्रेड के ऊपर इस तरह से दूध डालना है कि ब्रेड में सॉफ्टनेस आ जाए, वो एक काटने के बाद हार्ड ना लगे, एकदम स्वीट जैसे कि कलाकंद खाते हैं वैसा सॉफ्टनेस लाने के लिए हमें इसके ऊपर दूध डालना है। दूध डालने के बाद हमें इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट डालने हैं। ड्राई फ्रूट्स के बाद हमें सेंटर में एकदम मिडिल में दो ब्रेड लगाने के बाद हमें इसके ऊपर रबड़ी लगानी है। रबड़ी हमें ठंडी भी लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन मैं यहाँ पर अभी गरम गरम लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी इसको सेट करने के लिए रखना है फ्रिज में। अगर आप ठंडी लगाएंगे तो भी एकदम इंस्टेंट मिठाई है ये, इंस्टेंट आप बनाकर दे सकते हैं, लेकिन अगर इंस्टेंट नहीं बनाना है, आपको पहले से बनाकर रखनी है, तो ये 2-3 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। इसको आप इस तरह से बनाकर फ्रिज में रख दीजिए, और जब भी आपको यूज़ करनी है इसको निकालिए, काटिए और सर्व कीजिए। तो इस तरह से ये मिठाई बनती है, आप भी इस तरह से बनाइए, और बहुत ही सिंपल तरीका है और बहुत ही टेस्टी बनने वाली है ये मिठाई। तो इस तरह से हमने 2 स्लाइस लगाने के बाद एक ब्रेड लगाई, फिर उसके ऊपर दूध लगाया, फिर से हमने एक ब्रेड लगाने के बाद उसके ऊपर फिर से हमने रबड़ी लगाई है, और इसके ऊपर हम खूब सारे ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो आप भी बताइए कि ये मिठाई कितनी देर में बन जाएगी आपसे। ये मिठाई मुश्किल से मुश्किल 5 से 10 मिनट ही लेती है। तो 10 मिनट में आप इतनी टेस्टी मिठाई आप घर में बना सकते हैं। अब हम इसको फ्रिज में सेट करने के लिए रखेंगे। हम इसको 1 घंटे के लिए रख रहे हैं, लेकिन मैंने बताया आपको पहले भी, अगर आप ठंडी रबड़ी का यूज़ करेंगे तो आपको फ्रिज में सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इंस्टेंटली आप खा सकते हैं। लेकिन हमारी जो रबड़ी थी वो थोड़ी गर्म थी, इसलिए उसको ठंडा करने के लिए हमने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। और वैसे आप 10 मिनट में भी इसको निकाल कर खा सकते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत नहीं है तो 1 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ दीजिए, और फिर इसको सर्व करिए। और देखिए हमारी मिठाई बनकर तैयार हो चुकी है, कितनी जूसी लग रही है, इतनी सॉफ्ट दिख रही है, काटने में भी इतनी सॉफ्ट थी। तो इस तरह से आप घर में आराम से मिठाई बना सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। अगर आप कुछ अच्छा खाना चाहते हैं तो एक बार ब्रेड का कलाकंद बनाकर देखिए, जिसमें घंटों लग जाते हैं हमें कलाकंद बनाने के लिए, उसको आप सिर्फ 5 मिनट में खाने के लिए बना सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखिए, मैं इसको कट करके दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट है। ये 2 से 3 मिठाइयों का स्वाद आपको दे देता है, आइसक्रीम का भी स्वाद दे रहा है, कलाकंद का भी स्वाद दे रहा है, रसमलाई का भी स्वाद दे रहा है। तो क्यों ना ऐसी मिठाई जो कि 3 in 1 हो, सभी लोग खाएं।